बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो सबट्रैक्शन का मतलब होता है नफ़ी, मनफी करना, कम कर देना, चीज़ें सबट्रैक्शन से कम हो जाती हैं। और जमा तफरी का काम ज़्यादातर ताजर करते हैं, और जो सच्चा और ईमानदार ताजर होगा, जो कम या ज़्यादा नहीं करेगा, क़यामत के दिन उसका अंजाम अम्बिया सिद्दीकीन और शुहदाए कराम के साथ होगा। ये से एक सही हदीस है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, बेशक अल्लाह ताला बुराइयों को नेकियों से बदल देता है अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें। तो अब तक जो कुछ भी हो चुका अल्लाह के आगे झुक जाएं और अल्लाह ताला से आइंदा सच्ची सच के रास्ते पे कायम रहने की बात करें। अगर हम कोई भी काम करते हैं, तजारत करते हैं, दूध बेचते हैं, तो हम मिलावट ना करें, सच्चाई और दयानतदारी इख्तियार करें। तो आज हम देखेंगे सबट्रैक्शन विद बारोइंग। बारोइंग का मतलब होता है उधार लेना। ये उसके लिए इस्तेमाल होता है जब हम अगली मिसालों से वाजे कर देखते हैं। जब हम जैसे ये हमारे पास है सबट्रैक्ट 7 from 31, हम 31 में से 7 माइनस करेंगे, तो 31 में से 1 इज लेस देन 7। तो 1 में से 7 कैसे करें, तो हम जो है एक जो है वो 10 से उधार लेंगे, तो हम एक को 11 बना लेंगे। तो अब हम 11 में से 7 को माइनस करेंगे, तो 11 में से 7 को अगर हमने नंबर लाइन पे बैकवर्ड काउंट करना है तो हमारे पास 4 आया। और उसी तरह क्योंकि 2 ऊपर रहेगा, एक 3 में से एक माइनस हो गया, पीछे 2 रह गया, तो ये 24 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें सबट्रैक्ट 5 from 33। तो आप देख लेंगे 33 माइनस 5 में से 3 जो है वो लेस देन 5 है, तो हम 3 में से 5 तो माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम 1 10 से उधार लेंगे, 13 बना लेंगे, और 13 में से 5 को माइनस करेंगे, और 3 में से क्योंकि हमने एक ले लिया, पीछे 2 रह गया, तो 13 में से 5 बैकवर्ड करें तो नंबर लाइन पे तो 8 आता है, तो हमने 8 लिखा, और क्योंकि हम 3 में से एक उधार लिख चुके हैं तो नीचे 2 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 28। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, तो ये नेक्स्ट एग्जांपल में है कि सबट्रैक्ट 5 from 64। तो हमने 10s और 1s में इसको लिख लिया। अब आप देखें कि यहाँ पे भी 4 इज लेस देन 5, तो हम जो है 1 10 से उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, तो हमारे पास 14 बन जाएगा, और पीछे हमने एक बारो किया तो पीछे 5 रह गया, तो अब हम 14 में से बैकवर्ड 5 काउंट करते हैं तो हमारे पास 9 का नंबर आता है। हमने 9 लिखा और ऊपर से 5 उतार लिया, तो इसका मतलब है 64 - 5 = 59। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि नंबर लाइन से हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ये है हमारे पास सबट्रैक्ट 9 from 84। हम इसको इसी तरह 10s और 1s के कॉलम्स में लिखेंगे, और क्योंकि 4 इज लेस देन 9, हम 4 में से 9 तो माइनस नहीं कर सकते, हम 1 बारो करेंगे फ्रॉम 8, तो 8 में से 1 बारो किया तो पीछे 7 रह गया और 14 बन गया, तो हम 14 में से 9 माइनस करेंगे, तो 14 में से 9 बैकवर्ड काउंट करें तो हमारे पास आ जाता है 5। हमने 5 यहाँ पे लिखा और ऊपर से 7 नीचे उतार लिया, तो 84 - 9 = 75। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास जो दो नंबर हैं वो हैं 8 subtract 8 from 50। तो अब हमने इसी तरह 10s और 1s के कॉलम बना लिए। अब 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इट इज़ लेस देन 8 डेफिनेटली। तो अब हम क्या करेंगे कि